हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं विंटर सॉक्स। जिसके लिए सॉक्स बनाने हैं उसके पैरों का नाप ले लीजिए कुछ इस तरह से। पैर के बीच में हमें यहाँ एक मार्क करना है। मैंने यहाँ लंबाई 4.5 इंच ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। फर्मा हमारा यहाँ बन के तैयार हो गया। फर्मा हमें डबल रखना है और यहाँ पर सिलाई मार्किंग इस तरह से मार्क करके फर्मा हमें कट कर लेना है। यहाँ पर हमारे दो फर्मे बन के तैयार हो गए, एक नीचे के लिए एक ऊपर के लिए। ऊपर के फर्मे में जो हमने पहले मार्क किया था उसके सामने एक मार्क कर लो। कट लग जाने के बाद हमें ऊपर के फर्मे की गोलाई काट लेनी है कुछ इस तरह से, क्योंकि गोलाई हमें नीचे के फर्मे में चाहिए, ऊपर के फर्मे में नहीं। तो हमें ना गोलाई को यहाँ पर काट लेना है। गोलाई कट जाने के बाद हमें ना यहाँ पर दो कट लगा देने हैं कुछ इस तरह से। तो हमें यहाँ पर एक पट्टी और काटनी है, तो हम उसका नाप ले लेते हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई 8.5 इंच और लंबाई 3.5 इंच। तो यहाँ पर हम पट्टी काट लेते हैं, लंबाई 3.5 इंच और चौड़ाई 9.5 इंच रखनी है, क्योंकि 1 इंच सिलाई मार्जिन का जाएगा। तो फिर हमें ना पट्टी को काट लेना है और डबल फोल्ड करके ऊपर की साइड पर 1 इंच डाउन कर लेना है। हमें ना एक पट्टी और काटनी है, उसकी लंबाई 1.5 इंच और चौड़ाई 8.5 इंच रखनी है। पट्टी हमें डबल फोल्ड रखनी है और पट्टी को काट लो। तो चलो हम सॉक्स के नीचे की साइड का फैब्रिक कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ ब्लू कलर का फैब्रिक लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हो। यहाँ पर हमारे सॉक्स के नीचे की साइड कट करके तैयार हो गई है। तो अब हमें ना ऊपर की साइड कट करनी है। मैंने ना यहाँ पर ऊपर का फर्मा पिनअप करके काट लिया है, आप भी कुछ इस तरह से काट लो। ऊपर की साइड का फैब्रिक मैंने रेड एंड ब्लू लिया है। ऊपर का फैब्रिक कट करके तैयार हो गया है। हमें ना एक पट्टी और काटनी है। ये पट्टी हमने 3.5 बाई 9 इंच काटी थी ना, वो है, उसको हमें पिनअप करके काट लेना है। फिर हमें ना आखिरी पट्टी को भी काट लेना है। ये पट्टी हमने जो 2.5 इंच 8.5 इंच काटी थी ना, वो है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर दोनों पट्टी काट ली है। पट्टी काटने के बाद चलो हम सॉक्स को स्टिच कर लेते हैं। हमें ना यहाँ पर फैब्रिक की दोनों साइड सीधी रखनी है, ये उल्टी साइड है। फिर हमें यहाँ पर दो मार्क करके कट लगा देना है। अब भी ना इसी तरह कट लगा दो। कट लग जाने के बाद हमें ना यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। अब भी ना इसी तरह सिलाई लगा दो। सिलाई लग जाने के बाद जो हमने 9.5 बाई 3 की पट्टी काटी थी ना, वो रेड पट्टी को इस तरह से बीच में रख कर कट लगा दो। कट लग जाने के बाद हमें ना एक और कट यहाँ पर लगानी है। दोनों कट को मिलाते हुए हमें ना यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अब भी ना इसी तरह से सिलाई लगा दो।
नीचे की साइड सिलाई लग जाने के बाद हमें ना जो हमने 3.5 इंच लंबाई रखी थी वहां पर सिलाई चला देनी है। इसी तरह से हमें सामने की साइड भी सिलाई लगा देनी है। फिर हमें ना ऊपर की साइड एक कट लगा देनी है। तो फिर हमें ना जो पट्टी 1.5 इंच बाई 8.5 की काटी थी ना, तो उस पट्टी को इस तरह से दोनों साइड सिलाई लगा दो। सिलाई लग जाने के बाद पट्टी को डबल फोल्ड करके इस तरह से रख कर बीच में कट लगा दो। तो फिर हमें ना दोनों कट को मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। एक साइड सिलाई लग जाने के बाद हमें ना दूसरी तरफ इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड सिलाई लग जाने के बाद हमें सॉक्स को सीधा कर लेना है। मैंने ना यहाँ पर बचे हुए फैब्रिक से ही लेस बनाई है। आप अपने हिसाब से कोई भी लेस ले सकते हो। पहनने के बाद कुछ इस तरह से लगने वाला है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।